जैसे ही कांग्रेसियों ने यह सुना, डीजल ने चौसर में या यूं कहें मध्य प्रदेश में शतक लगा लिया। पहुंच गए उस पेट्रोल पंप पर जहां पर डीजल 100 रुपए के ऊपर बिक रहा था। तत्काल ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो मंगाई गई, दोनों के ऊपर तिलक किया गया, साथ ही फोटो पर माल्यार्पण करके डीजल के शतक पर देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई दी। देखिए कैसे। ऐसे तमाम जुमले थे, उन जुमलों की बात तो ख़त्म हो गई, लेकिन महंगाई आज जिस तरीके से, चाहे वो खाने का तेल हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो, जब तेल बढ़ गया तो सारी वो ज़रूरतें बढ़ गई जो आम आदमी की जरूरत की चीज़ें हैं। आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आज मध्य प्रदेश में, मैं समझता हूँ, चौथर तहसील रीवा जिले का जो अंतिम छोर है, सबसे महंगा डीजल पूरे प्रदेश और पूरे देश में आज यहाँ पर। तो हम लोगों ने तय किया है कि हम माननीय मोदी जी का सम्मान करेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका लगभग 18 साल का कार्यकाल चल रहा है, 18 साल, उनका भी सम्मान करेंगे, उनको टीका लगाएंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे हम लोग, कि लोकतंत्र में ईश्वर करे कि ऐसे शुभचिंतक जनप्रतिनिधि ना हो। देश के इतिहास में पहली बार डीजल का शतक, पेट्रोल तो पहले ही शतक लगा चुका था, आज डीजल ने भी शतक लगा दिया है, वह भी मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा से लगे सुहागी में। आज पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर चुका था, 100 रुपए 10 पैसे जहां पेट्रोल डीजल बिक रहा था, वहीं 109 रुपए 26 पैसे पेट्रोल बिक रहा है। 26 तारीख का रेट 100 रुपए 06 पैसे डीजल का हो गया है और पेट्रोल का 109 रुपए 26 पैसे, आज तक की तारीख का सबसे महंगा रेट हमारे पेट्रोल पंप का ये है। इससे महंगा कभी पेट्रोल अपने यहाँ नहीं था, आज सबसे ज्यादा महंगा हुआ है। तो देखा आपने, पहले सरसों का तेल ने दोहरा शतक लगाया, उसके बाद पेट्रोल ने शतक लगाया, और आज देश के इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश के रीवा में, सुहागी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए इलाके में, डीजल ने अपना शतक पूरा किया। ऐसे में सीमावर्ती इलाके के पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर आ गए। उत्तर प्रदेश में वही चीज़ 12 से 15 रुपए सस्ती मिल रही है प्रति लीटर। ऐसे में मध्य प्रदेश की सीमा में डीजल पेट्रोल कौन भराएगा, एक बड़ा सवाल ये भी होता। 2 मई को 4 राज्यों के चुनाव परिणाम, 4 मई से मई माह में 16 बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, वहीं जून में ये 14 बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। अभी तक 7 रुपए 60 पैसे के आसपास पेट्रोल के दाम, 7 रुपए 85 पैसे के आसपास डीजल के दाम सरकार ने बढ़ाए हैं। सरकार कहती है डीजल पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तय होते हैं, तो इसमें एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है, जब 4 राज्यों में चुनाव थे उस दौरान 64 दिन तक डीजल पेट्रोल के दाम क्यों नहीं बढ़े। दूसरा सवाल, क्या सरकार डीजल पेट्रोल बाल्टी लेके खरीदने जाती है रोज? सरकार किस तरीके से डीजल पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरीदती है, उसी हिसाब से डीजल पेट्रोल के दाम उतने दिन में ही घटने या बढ़ने चाहिए? आम जनता कुछ इस तरीके के सवाल भी लगातार उठाती रहती है।